बठिंडा में भक्ताभिका में एक मनी ट्रांसफर कार्यकर्ता मनोहर लाल की कल शाम करीब 5 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी पर कैद हो गई है। मृतक के शव को सरकारी अस्पताल बठिंडा लाया गया। शव को आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड के एक सदस्य डॉक्टर गुरमेल ने कहा कि पोस्टमार्टम से पता चला है कि एक गोली पीड़ित के सीने और सिर में लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक मेडिकल बोर्ड सिविल सर्जन बठिंडा द्वारा गठित किया गया सी, जिदे विच मैं डॉक्टर गुरमेल सिंह, डॉक्टर वरीश्वर चावला और डॉक्टर ऋचा गर्ग, साढ़ा 3 मैंबर का बोर्ड सीगा। असी श्री मनोहर लाल जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के असी पाया है कि इन शरीर के उत्ते दो थावां ते गोलियां लगिया हुई सीगियां। जिहड़ी एक गोली है वो इन चेस्ट के उत्ते खब्बे पासे लगी हुई है, जिहड़ी कि चेस्ट नूं चीरदी हुई आर पार हो गई है, और जिहड़ी दूसरी गोली है वह सिर के खब्बे पासे लगी सी, अखीर वो सिर के सज्जे पासे जाके इंपैक्ट हो गई। असी डिसैक्शन दौरान वो गोली है जी उतों बरामद कर ली है, और गोली है जी असी पुलिस को हैंडओवर कर दी है। इस व्यक्ति की मौत है जी वह गोलियां लगन करके, बहुत ज़्यादा खून बहन करके, सदमे जान करके हुई है। सर टोटल किन्ने फायर लगे ने? कुल 2 फायर लगे ने शरीर के उत्ते, एक चेस्ट के खब्बे पासे, एक सिर के खब्बे पासे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। दो लड़कियां पछत्ते आ गई, उन्होंने फायर किया कल मनोहर लाल जी, जी एक गोली छाती च लगी है तो एक सिर जिद करके उन्होंने डैथ हो गई। रात अस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा अलग टीम चल रही है, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਐਂਗਲ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਐਂਗਲ ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅਭੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਂਗਲ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ 302-307। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? 295। ਕਦ ਤੱਕ ਫੜ ਲਏਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।